घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। भाजपा नेता विनय कटियार का बयान, कहा सरकार के पास है बहुमत, राम मंदिर निर्माण के लिए करे पहल। और प्रधानमंत्री मोदी से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने की मुलाकात, मोदी ने कहा विपक्षी भाषण से नहीं उनके काम से करे मूल्यांकन। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बयान को देखें और फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार को बयान को देखें। तो बयान में कई सारे विवादास्पद, ऐसे लगता है विरोधाभास है उसमें। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि ये मुद्दे जो हैं उसके लिए स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। राजनाथ सिंह कहते हैं विकास इस वक्त मुद्दा है, ये प्राथमिकताएं नहीं है। और विनय कटियार कहते हैं कि नहीं, राम मंदिर के लिए सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है और वो पहल करें। सवाल है कि इसमें किस तरह के संदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर से दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। इसके क्या 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 आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं या लोगों को आप सही संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैं भास्कर घोष साहब, हैं बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से है नीता मिश्रा, है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर पासा साहब को हमने बुलाया हुआ है और पुष्पन कुलश्रेष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं भास्कर घोष साहब, अलग अलग बयान, अलग अलग नेता, वरिष्ठ नेता, पार्टी अध्यक्ष, दूसरे वरिष्ठ नेता, कैसे क्या क्या मैसेज क्या है, जरा कंफ्यूजन दूर करें। पहले बात है जो मैसेज या मैसेज की बात है, ये सरकार और जो पार्टी है दोनों का मैसेज ही सही है। एक तो विनय कटियार साहब जो कह रहे हैं वो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का 30 सितंबर का जो जजमेंट, लास्ट जो जजमेंट प्रोनाउंस किया गया था उसके हिसाब से बाबरी मस्जिद का जो जगह है वो तीन हिस्सों में बटा गया था। एक था अपना राम, वो कह रहे हैं सरकार राम मंदिर के लिए और सहमति बनाकर इसको जल्द सुलझाए। और वो कह रहे हैं कि मैंने ANI में जो उन्होंने बताया, मीडिया में जो बताया उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कह रहा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर को ऑनर करते हुए सरकार सब पक्ष को लेकर के आलोचना शुरू करे। पार्लियामेंट में सरकार का बहुमत है, अगर वो आलोचना जो है वो बहुमत सहमति बनाए तो एटलीस्ट एक स्टेप वो आगे बढ़े कि सहमति बनाकर उसको। नहीं तो आप एक तरफ जो, वही सवाल मेरा वही है कि विनय कटियार जी कह रहे हैं कि आप राम मंदिर के लिए सहमति बनाए, राजनाथ सिंह कहते हैं सरकार का अभी जो प्राथमिकता है वो विकास है, ये चीजें अभी पीछे छोड़ दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कहते हैं कि अभी स्पष्ट बहुमत नहीं है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए जब स्पष्ट बहुमत 370 होगा या कॉमन सिविल कोड के लिए या अन्य चीजों के लिए जो जब आपके पास बहुमत होगा तब आप करेंगे इन चीजों को। वही तो मेरा सवाल है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग हैं, पूर्व अध्यक्ष अलग कह रहे हैं और विनय कटियार अलग कह रहे हैं, तो जरा देश को बताइए कि आप चाहते क्या है। नहीं, विनय कटियार जो कह रहे हैं वो विनय कटियार के हिसाब से वो जो एजेंडा था अभी जो मैनिफेस्टो में भी एजेंडा था वो एजेंडा को सामने रख के वो चाह रहे हैं कि एक आलोचना हो जाए और अगर भी बहुमत का जरूरत हो, अगर वो सहमति का जरूरत हो तो वो आप कह रहे हैं कि लोकसभा में सहमति बनाया जाए, सहमति बनाया जाए। और जो आज राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं या अमित शाह जी कह रहे हैं कि राज्यसभा भी हम लोग का मेजोरिटी नहीं है, अगर वो मेजोरिटी राज्यसभा में चाहिए तो ये बात तो विनय कटियार जी को भी पता है। तो विनय कटियार जी को राम मंदिर मुद्दा को, लेकिन विनय कटियार जी जो कह रहे हैं कि आलोचना को शुरू किया जाए, वो नहीं कह रहे सहमति बनाने की प्रक्रिया को समझ, हाँ प्रक्रिया को शुरू किया जाए। प्रक्रिया शुरू कर मतलब ये नहीं कि आलोचना खत्म हो जाए और राम मंदिर निर्माण हो जाए। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर के इश्यू के ऊपर बहुत सारे चर्चा हो चुके हैं, बहुत सारे जीवन जा चुके हैं, गोधरा कांड उसका परवर्ती हो चुका है, इतना सारे घटना के बाद एक नेशनल एजेंडा के तौर पे इसको आलोचना का टेबल में लाया जाए, सहमति के ऊपर सहमति हो जाए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन सहमति का प्रयास शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, यही उन्होंने कहा था। नीता जी जी, कुल मिलाकर के कई तरह के अलग अलग जो बातें हैं वो आ रही सामने में देखने को मिल रहा है जी। मैं बोलूं दिलीप जी? बिल्कुल। देखिए, जो विनय कटियार जी ने कहा है तो मुझे ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ये आश्चर्यजनक बात उन्होंने कही है, क्योंकि जो इस पार्टी का, भाजपा का जब से सरकार बनी और जो एजेंडा रहा है पहले भी, जो चुनाव से पहले था और अभी तक, वो केवल
चाहे इनके अलग अलग एमपीज रहे हो या इनके लीडर्स रहे हो भाजपा के, लगातार जो वक्तव्य आ रहे हैं उसी लाइन में ही ये विनय कटियार साहब ने आज जो कहा है वो उसी लाइन में है। ये कहां उस लाइन में है? आप, क्योंकि आप ये अगर, आप अगर, जी एक अभिन्न अंग है, मैं इसको एक मानती हूँ अभिन्न अंग बीजेपी का, आरएसएस का, इसलिए उसी का एक ये माउथपीस है। आज जो इन्होंने बात कही वो केवल उसी की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा और कुछ नई बात नहीं है मेरे लिए। बाकी विनय कटियार साहब का इस समय ग्राफ कुछ डाउन जा रहा था, उन्हें भी लगा कि एक मौका है जो थोड़ा सा आरएसएस के और करीब उनको ले जाएगा और साथ में कहीं ना कहीं उनका फिर से एक बार नाम पुनः इस राजनीतिक इस पूरे इसमें। आप ये कह रहे हैं कि विनय कटियार सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं? सुर्खियां भी बटोरने के लिए और साथ में भाजपा का एजेंडा भी पूरा करने के लिए कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं बिल्कुल दोनों। प्रोफेसर पासा साहब उनको, हाँ मैं इसको दो नजरिए से देखता हूँ विनय कटियार जी, श्री विनय कटियार जी के इस बयान को। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि विनय कटियार जी इस वक्त हाशिए पर हैं। एक समय था जब विनय कटियार जी कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते थे और थे, इस वक्त वो हाशिए पर हैं और जाहिर है कि वो उस हाशिए से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो ये, लेकिन साथ ही साथ वो एक तीर से दो निशाना भी करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि विनय कटियार जी केंद्र सरकार पर भी, भाजपा पर, खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो जो एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास का एजेंडा है, कहीं ना कहीं उसको भी वो टारगेट करके चल रहे हैं और एक एक निशाना उस एजेंडा पर भी लगाना चाहते हैं और दोनों तरह से वो एक तरह से अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं, हाशिए से बाहर निकलना चाहते हैं और दूसरी तरफ चूंकि वो हाशिए पर गए हैं और हाशिए पर लाने वाले जो लोग हैं उनसे वो एक तरह का स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जहां तक आप ये रही बात, कहीं ना कहीं रही बात दूसरी के, आप कह रहे हैं कि उनकी जो अपनी जो आज हैसियत में हैसियत जो कम हो गई है, आप ये कह रहे हैं उसके कारण से वो एक तो वो सुर्खियों में आना चाहते हैं, अपने को हाशिए से बाहर लाना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से लाना चाहते हैं, दूसरा ये कि वो उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिन्होंने उनको हाशिए पर डाल दिया है। यानी कि मैं बिल्कुल साफ वाजे है कि भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिली है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में एक अरसे से है, पहली बार नहीं आया था, मैनिफेस्टो में पहले भी शामिल था, जनता ने उस मैनिफेस्टो के आधार पर वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए विकास का जो इनका नारा था उसको ज्यादा अहमियत दी जनता ने बजाय मंदिर निर्माण के एजेंडे को, और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिल पाया और एक सरकार बन पाई। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कमिटेड हैं उस एजेंडा के तहत, जो उनका एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, जिसका इन्होंने भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी, अमित शाह जी ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि हमें विकास के एजेंडे को अहमियत देना है, न कि ये एजेंडा भले ही मैनिफेस्टो का पार्ट होगा, पहले ही मैनिफेस्टो का पार्ट था, लेकिन अभी जो हमें प्रायोरिटी जिन इश्यूज से देना है उसमें विकास का एजेंडा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें उस पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इसलिए मैं ये देखना चाहूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो विनय कटियार साहब ने जो बयान दिया है वो क्या है, वो आपको हम दिखाते हैं। अगर आज की परिस्थिति में हम चर्चा करें तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, लेकिन बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकल सकता है या कानून बनाकर निकल सकता है। इस ओर अब एक साल बीत गया है और अगर वो हमारी पहल होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर बनाने में सहायता मिलेगी और राम मंदिर बन करके लोगों के बीच में तैयार हो जाएगा। इस पे कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी। विनय कटियार जी, राम भक्त विल नॉट स्पेयर दिस गवर्नमेंट, इट्स क्लासिकल बीजेपी डबल स्पीक। दे आर ट्राइंग टू मिसलीड पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट from the core issues of development. They are trying to divert attention from complete failures of Modi government in 1 year to deliver anything tangible to people of India, and that is why the bogey of division, bogey of religious bigotry is again being created. Both Amit Shah and Shri Narendra Modi ji, as also BJP senior leadership and RSS,
must now clarify their stance on all these core issues. कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पर सफाई दे बताएं और जिस तरह से एक धार्मिक कट्टरता धार्मिक जो उग्रता है उसको आगे करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी भास्कर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा यहाँ पे एक ही बात कहना है, अगर कोई एमपी कोई इशू को लेकर चर्चा करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट इशू को उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट नहीं चाहिए, पहले राम मंदिर चाहिए। राम मंदिर एक इशू था मैनिफेस्टो में, उस इशू को उन्होंने समझा इस वक्त उठाना चाहिए तो उन्होंने उठाया, और इसका जो प्रोसेस कौन सा है इसके ऊपर वो बार बार कह रहे हैं कि चर्चा होना चाहिए। भास्कर साहब, केवल राम मंदिर ही क्यों बनना चाहिए? डेवलपमेंट इशू के ऊपर, डेवलपमेंट इशू के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत, मतलब लास्ट एक जब एक साल हम लोग का कंप्लीट हुआ 26 तारीख को, मैंने डेवलपमेंट इशू के ऊपर बहुत सारा चर्चा हुआ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ राम मंदिर पर चर्चा हो रहा है। सेकेंड इशू है गवर्नमेंट, जब होता है गवर्नमेंट का एजेंडा अलग होता है, प्रायोरिटी एजेंडा अलग होता है। गवर्नमेंट ने कभी नाकार नहीं किया, मैं गवर्नमेंट ने अभी बोल रहा है कि ये प्रायोरिटी एजेंडा में शायद नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। जब बहुमत आ जाएगा शायद एजेंडा हो सकता है। दो है ये राम मंदिर इशू, सिर्फ ये जो कोर्ट ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सिर्फ राम मंदिर लेके नहीं है, उसमें वाकफ बोर्ड को भी वर्धन दिया गया है, उसमें निर्माण है, उन्हें लेकर सहमत होना है और इसका प्रोसेस शुरू करने का एक प्रयास विनय कटियार जी किए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। डेवलपमेंट को नाकार कभी नहीं किया। भास्कर जी, मस्जिद भी तो बननी चाहिए, क्यों केवल राम मंदिर की बात कर रही हैं? नीता जी, आपके पास लौट के आऊंगा। सबसे पहले पुष्पेंद्र, मैं आपसे चाहूंगा जानना कि ये जो बयान है, क्या वाकई विनय कटियार इस वक्त सियासी तौर पर अपने पार्टी में हाशिए पे है इसलिए दिया गया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि उनके इस बयान को कुछ लोग छोटा आंकने के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो जो है सियासी आइसोलेशन में है, लिहाजा उन्होंने इसका एक बयान दे दिया है जी। मैं इसको नहीं मानता, और इतनी बड़ी पार्टी है और राम मंदिर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है वो जो विनय कटियार का ही मुद्दा हो जी। हम सब जानते हैं बिहार का चुनाव भी होना है और विनय कटियार राज्यसभा में है, और विनय कटियार की पहचान इस मुल्क में इस राम मंदिर के मुद्दे से है क्योंकि वो फैजाबाद से हैं। सवाल यह है कि अभी दो दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने यूएनआई से एक लंबी बातचीत की है और बहुत सारे मुसलमानों के सिलसिले से, घर वापसी के सिलसिले से, भड़काऊ भाषण के सिलसिले से कई सारी सफाइयां दी हैं उन्होंने। और आज कल आपको जैसे पता है कि कोई 30-40 मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उसमें, मतलब सियासी लोग भी हैं लेकिन धर्मगुरु ज़्यादा उसमें अप्रोप्रिएट शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो वहाँ पहुँचे और तमाम बातें की। उन्होंने कहा रात के 12 बजे भी आप मेरा दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी की कुछ कुछ बात उन लोगों को जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इस बात पे वोट दिया था कि तमाम ये विकास की बात भी करेंगे लेकिन एक हिंदुओं के इंटरेस्ट को भी देखेंगे और इसलिए उनको ये प्रचंड बहुमत मिला, वो हिंदू सम्राट कहलाते हैं, तमाम सारी बातें हैं। उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मनमोहन सिंह ये कहते थे कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पे पहले मुसलमानों का हक है तो पूरे देश में बवाल होता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मुसलमानों को ये क्यों भरोसा दिलाया है कि जब भी कोई बात हो तो रात के 12 बजे मेरा दरवाजा खटखटा लें, तो बाकी लोगों के लिए दरवाजा बंद है क्या? तो ये तमाम इस कॉन्टेस्ट में अगर आप देखें और बिहार का चुनाव देखें और खास तौर से ये भी देखें कि कल उन्होंने आरएसएस को भी लताड़ा है इस बात के लिए, उसके ऊपर भी सीधा आरएसएस का नाम लिया है। विनय कटियार का बयान भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उठापटक है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बेचैनी है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद जितने लोग हैं उनको यह समझ आ रहा है कि ये चुनाव में जो जीत मिली है ये सिर्फ विकास के नाम पे नहीं है। विकास एक मुद्दा हो सकता है लेकिन कुछ कोर इश्यूज हैं, और भारतीय जनता पार्टी 1998 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तब यह हो रहा था कि साहब हमारे पास 272 नहीं है, अब 282 है। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि 370 लाएं, फिर कहेंगे हमें 400 चाहिए, फिर पूरा बहुमत वहां भी चाहिए, फिर यहां भी चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश में भी बहुमत चाहिए, फिर कश्मीर में भी बहुमत चाहिए। तो ये इस तरीके से बहुत सारे लोगों को जिनकी अपनी छवि है, जिनका अपना वोट बैंक है, जिनकी अपनी एक ऑडियंस है, उनको लग रहा है कि ये सरकार विकास के नाम पर आगे तो बढ़ रही है लेकिन उनके जो कोर इशू है जिससे उनकी पहचान है उसे पीछे छूट रही है। ये उसकी जिसको कहते हैं अंदर की कोर, जो कोर इशू है वो जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हिंदुत्व और उग्र हिंदुत्व या जिसको जो हिंदुत्व के नारे पे जिन्होंने वोट दिया है उनको वापस पार्टी जोड़ने में
जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है? नहीं, उनको कहीं ना कहीं ये ना लगे उत्तर बिहार में या उत्तर प्रदेश में, देखिए ये एक बड़ा है कि साथ विकास, ठीक है, हर हर एक बड़ी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसमें कई मुद्दे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि जो उग्र हिंदुत्व है, जो बड़ा वोट बैंक है और खासतौर से हिंदी बेल्ट में बड़ा वोट बैंक है, उसके अंदर बीजेपी का वोट बैंक है और उसका प्रकटीकरण मैं कहता हूं विनय कटियार ने किया है। विनय कटियार को यह कहना कि वो राजनीतिक आइसोलेशन में चले गए थे इसलिए किया, ये बहुत सोच के उन्होंने बयान दिया है। जी, आप कुछ पास सब कुछ कहना चाहते हैं? मैं यस करना चाहता था कि इलेक्शन के समय बहुत सारे मुद्दे मैनिफेस्टो का हिस्सा बनते हैं, जिनको कोर इशू कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, मैं समझता हूं कि ये कोर इश्यूज एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हैं, कई इलेक्शन गुजर गए, लेकिन जब सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद लेकिन मैं कह रहा हूं कोर इश्यूज थे, आपने देखा सरकार बनी थी वाजपेयी जी की भी, वाजपेयी जी की सरकार में भी वो कोर इश्यूज थे अपनी जगह, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के, चूंकि बहुमत नहीं थी उनके पास पूरी, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के गवर्नमेंट बनी थी, वो कोर इश्यूज को साइड में रख दिया गया था, यानी कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट जो है, पूरे राष्ट्र का इंटरेस्ट, पूरे समाज का इंटरेस्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कोर इशू है, न कि पार्टी के एजेंडे में शामिल इश्यूज कोर इश्यूज हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। भास्कर घोष से जानते हैं कि आखिर जो कोर इश्यू है या चुनावी मुद्दे हैं या जो मूल जनाधार है भारतीय जनता पार्टी का, उसको खिसकने का डर है, कई सारे सवाल हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। और बीजेपी के राज्यसभा के सांसद विनय कटियार के बयान पे सबसे पहले हासिम अंसारी साहब ने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। जो कुछ बोल रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इनके बयान से मुसलमानों को इसका कोई असर नहीं है, मुसलमान जानता है कि विनय कटियार क्या है और विनय कटियार के साथ कितने लोग हैं। और मैं कहूँगा विनय कटियार से कि जरा थोड़ा खामोश रहो, देश को देखते हुए देश के कामकाज को होने दो। अब विनय कटियार न साधु है, न गिरस्त है, न विलक्ष है। अब अयोध्या में विनय कटियार की कोई इज्जत नहीं है, भले वो पार्टी के लिहाज से 10 मोटर 10 10 10 कार लेकर चलते हैं, लेकिन कोई जनता में उनकी कोई इज्जत नहीं है। वो हमारे साथ चले तो हम उनको दिखावाएं कि तुम्हारी कितनी इज्जत है। अब ये बयान जो भी मिलने का, अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने भी कुछ टिप्पणी की है, उनको भी आपको सुनाते हैं। आज श्री विनय कटियार अपनी पुरानी धुन में जो बेसुरी हो गई है, जो अवसरवाद से ओतप्रोत है, आडंबर से ओतप्रोत है, जिसका कोई संदर्भ नहीं है, उस पर फिर वही बात कहते हैं कि राम मंदिर को हम भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। क्या ये चुनाव के पहले, बिहार चुनाव के पहले एक बुगुल बजाने वाली बात है? क्या विनय कटियार को कोई रोकेंगे? क्या मोदी जी, जिन्होंने कल ही एक वक्तव्य दिया है कि ऐसे वक्तव्य नहीं आने चाहिए, हमें शासन पे, सुशासन पे फोकस करना चाहिए, क्या उनको सरकार से, क्या उनको पार्टी से हटाएंगे, क्या उनको अनुशासन समिति में डालेंगे? ये सब एक पुरानी तरकीबें हैं, ये सब एक ड्रामाबाजी है, ये सब एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये इतनी बार एक्सपोज हो चुकी है, इसका पर्दाफाश एक बार नहीं इतनी बार हो चुका है, फिर भी बीजेपी सीखती नहीं, समझती नहीं। इससे ज़्यादा दोगली आवाज़, इससे ज़्यादा आडंबर, इससे ज़्यादा अवसरवाद और एक मुखौटा पहन के
अपनी पहचान दिखाना, कभी किसी मुद्दे पर नहीं देख सकते आप जो आप बीजेपी के 370 और राम मंदिर के मुद्दे पर देखते हैं। माननीय भगवान राम याद आते हैं 5 वर्ष में एक बार, महीने भर पहले चुनाव के याद आते हैं, उसके तुरंत बाद वक्तव्य आते हैं। 3 वक्तव्य मेरे सामने हैं, 27 मई 2015 को अमित शाह द्वारा, 11 मई 2015 को गृहमंत्री द्वारा अयोध्या में, और फिर वापस गृहमंत्री ने 30 मई को कहा, सब में कहा कि अब हम सरकार में हैं, हमारे पास 323 सीट 370 सीट नहीं है, इसलिए हम 370 और ये राम मंदिर के मुद्दे को, ये हमारे कोर इशू नहीं है, हम सिर्फ शासन और सुशासन में फोकस करेंगे। डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे कांग्रेस पार्टी के, कह रहे कि आप डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। भास्कर घोष साहब भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बताएं अब क्या करेंगे, गृह मंत्री बताएं अब क्या करेंगे, अमित शाह बताएं जवाब दे क्या करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये अभिषेक मनु सिंह साहब अपने सवाल को अपने जवाब दिया है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो गवर्नमेंट में हैं वो अपना प्रायोरिटीज बैन कर चुके हैं, लेकिन जो विनय कटियार साहब जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे कोई बाहर के मुद्दे नहीं है, वो भी मुद्दे एक मुद्दे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है। विनय कटियार बुला करके इंटरव्यू देके कहते हैं कि देखिए ये हमारी, इसको सरकार को के पास बहुमत है और सरकार को इसको सॉल्व करना चाहिए, इसमें सहमति बनानी चाहिए, राम मंदिर निर्माण के लिए काम करना चाहिए। तो दो कन्फ्यूजिंग आप उसको, आप या तो आप जो डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, आप इतना कंफ्यूजन में हैं, पार्टी कंफ्यूजन में है, या पार्टी नहीं, जो बिना बिहार चुनाव को लेके जो आपकी रणनीति है उसका यह हिस्सा है जो कर, मुझे नहीं लगता है कि बिहार चुनाव के ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार चुनाव का मुद्दे जो है वो और असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने कोर वोट बैंक जो बुनियाद जो जनाधार है आपका, कोर जनाधार जो है, जो मूल जनाधार है उसको एड्रेस करने का प्रयास करवा, ये कोर जनाधार अभी नहीं रहा, जो जो बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर भारतीय जनता पार्टी आई है वो कोर जनाधार जो आप कह रहे हैं कि कोर जो हिंदुत्व, जो हिंदुत्व जनाधार है, सिर्फ उसके बेसिस में आता तो इंडिया गवर्नमेंट 2009 के बाद इतना दिन वेट नहीं करना पड़ता, लास्ट फर्स्ट इंडिया गवर्नमेंट। सो जनाधार जो है वो बढ़ चुका है बहुत बड़ा, और ये जनाधार आपके हिसाब से जो कोर जनाधार है उससे भी बहुत बड़ा है, जो प्रो डेवलपमेंट का जनाधार है, तो इसलिए हम लोग इसको कोर जनाधार नहीं मानते हैं, जो बार बार हम लोग के ऊपर ये वो जो आरोप हो रहा है कि ये कोर जनाधार है, ये कोर जनाधार, अगर वो जनाधार है तो कोर जनाधार नहीं है। भास्कर कोर जनाधार जो है वो है डेवलपमेंट के मुद्दे में। आप ही से एक सवाल पूछ रहे भास्कर साहब, इसका मतलब ये है कि 2015 की भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड और भगवान राम के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएगी और ये उसके कोर इशू में नहीं है, क्योंकि कोर वोट उसको नहीं मिला है, कोर वोट उसको मिला है विकास पे। तो ये तीनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी अगले 4 साल तक मैं ये नहीं कहा कि कोर वोट इसलिए नहीं मिला, मैंने कहा कि कोर जनाधार करके जो आप कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूं ये कोर इशू है आपके, और ये कह रहा हूं बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसने इस कोर इशू बना के है, लेकिन कोर इशू नहीं है हमारे साथ, कोई यहां पे बयान अभी तक कोई भी भास्कर जी हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं अब्दुल रहीम साहब हैं, उनसे पूछते हैं रहीम साहब, जो विनय कटियार साहब को बयान आया है और प्रधानमंत्री के तरफ से जो जो संकेत संदेश आए थे उस दोनों को जोड़ के देखा जाए तो क्या निकलता है? देखिए जहां तक विनय कटियार साहब के बयान का ताल्लुक है जी, और जिसका ताल्लुक जो है अपने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से है, मैं पहले ये बात कहूंगा कि जो मौजूदा अयोध्या है इस मौजूदा अयोध्या का श्री रामचंद्र जी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखा एक नया एंगल आया, ये कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो एक हिस्ट्री खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आपके गवर्नर जसराम ने ये कहा है कि साहब जो अपने यहाँ तक अयोध्या का जिसमें रामचंद्र विनय कटियार जी ने जो कहा है उस पर आप हमें, विनय कटियार साहब ने जो कहा है उस पर आप बताएं, आपके हिसाब से तो पाकिस्तान में आपकी स्टडी है, जो बयान आपको अच्छा लगे वो सबसे अच्छा। ये झूठ को जो है इतना बढ़ाना और झूठ पर इतनी जो है बात करना, मेरा सवाल बड़ा पॉइंट जो है अपने मुनासिब रहीम साहब हमारा जो अपने जो 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 रहीम साहब ये कोई और एजेंडा चला रहे हैं अब्दुल रहीम साहब छटाई की रहीम साहब जब मेरे सवाल को सुन ले, मेरा सवाल है जो एक तरफ प्रधानमंत्री जी का संदेश आ रहा है
कि आप उनके काम का मूल्यांकन करें, विपक्ष जो भाषण देता है उस पर ना जाएं, उनके बहकावे में ना आए। दूसरी तरफ विनय कटियार जी कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को, सरकार के पास बहुमत है, उनको काम करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे है कि इस दोनों बातों को जोड़ के अगर देखा जाए तो क्या निकलता है, ये बताइए। हालांकि हम हिंदुओं को बुजदिल नहीं समझते, हिंदू बड़े तो अपने अपने गैरतमंद बहुत हुए रहे हैं बाबर के बाद से, वो क्यों खामोश रहे अंग्रेजों के आने तक, और अंग्रेजों के आने से पहले कोई जो है तहनी बताया जाए, कोई जो है बयान बताया जाए, कोई तारीख बताई जाए। ठीक है, ठीक है रशीद साहब, रहीम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को लेकर के कोई भी बहस इस वक्त जाहिर है कि गैर जरूरी है। वो मुद्दा कोर्ट के सामने है और उच्चतम न्यायालय का जो भी हो सकता है, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है, वो मैं रहीम साहब की गुफ्तगू के हवाले से कह रहा हूं कि इनकी पूरी की पूरी गुफ्तगू इस मौजूदा इस कंटेक्स्ट से बाहर है। वो इस कंटेक्स्ट में उठाए हुए सवाल को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। इसमें सीधा सीधा मामला ये है कि विनय कटियार जी बुनियादी तौर पर उस क्षुब्ध ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले, क्या इसको ये हम मान के उसको जो असल जो जो, जो और ये सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। वो अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं कि ये सरकार, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की ये सरकार एजेंडा को भूल गई है, वही कहना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर उनका इल्जाम यही है कि ये सरकार उस कोर इशू को भूल गई है, राम मंदिर के निर्माण के इशू को भूल गई है। वो गोया कि सरकार को एम्बैरेसिंग पोजीशन में डालना चाहते हैं। सरकार का मेन एजेंडा इस वक्त ये है, पूरे राष्ट्र हित को सामने रखते हुए विकास जो है, सरकार गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, वो नारा है सरकार के तो सामने। इसलिए जब आप इलेक्शन के मैदान में होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज को रेज करते हैं जनता के वोट्स को हासिल करने के लिए, लेकिन जब एक बार आप सरकार में होते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आप प्रायोरिटाइज हो जाते हैं सारे चीज, गवर्नेंस को एसर्ट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको उन्हीं मुद्दों को सामने रखना पड़ता है जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, ब्रॉडर इंटरेस्ट। नीता जी, पुष्पेंद्र जी, नीता जी जी, पाशा साहब कह रहे हैं, भास्कर साहब भी कह रहे हैं कि गवर्नेंस कोर इशू है, लेकिन इस कोर वोट को भी तो साथ में वो चाहते हैं कि लगातार वो भी सीमेंटेड रहे इनकी पार्टी के साथ। तो ऐसा ये कहना कि केवल गवर्नेंस, मुझे नहीं लगता गवर्नेंस तो बल्कि बैक सीट लिए। प्राइम मिनिस्टर जी भले लगातार इस बात को स्ट्रेस करते रहे कि डेवलपमेंट और गवर्नेंस लगातार कह रहे हैं। आपने अभी कहा था कि यूएनआई के साथ जो वार्तालाप हुई उसमें उन्होंने कहा, फिर उन्होंने अपने मुंह से यही लगातार कहा गवर्नेंस और डेवलपमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम जो जब जब उनके सामने पत्रकारों ने ये इश्यूज रखे जो कि डिवाइड करने वाले थे, जो पिछले जितने, उसके बारे में कोई सफाई उन्होंने नहीं दी, कोई भी स्टेटमेंट, कोई वक्तव्य नहीं आया, केवल उन्होंने अपना स्टैंड फिर वहां पर बोला कि मैं गवर्नेंस और उसके लिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं, साथ में जो अभी तक एक साल में देखा गया, अभी आज जैसे आप अभी ये मुद्दा अगला होएगा कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने विश्वास दिलाया, क्या उन्होंने विश्वास नहीं दिलाया था उन पादरी लोगों को और क्रिश्चियन कम्युनिटी को, उसके बाद ही इतनी टूट फूट हुई थी। तो आखिर तो कुछ तो ऐसा उनको करना पड़ेगा, लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। क्या उन्होंने जब ये विनय कटियार जी ने ऐसा कहा तो कोई भी एक भी स्टेटमेंट जारी हुआ पीएमओ से या प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा कि इसका वो खंडन करते हैं? यदि ऐसा कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आए तब तो विश्वास हो, वरना मैं यही सोचती हूँ कि जो कोर इशू है, जो कोर वोट है इस समय उनकी, बस जो मेन एजेंडा है वो उसी को सीमेंट करते रहना और उसी को ही और बढ़ाते रहना। और इस खास तौर से अब जो इलेक्शन आने वाले, हालांकि इससे इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड ऐसे स्टेटमेंट फिर से लाए जा रहे हैं जिससे कि इलेक्शन पर कोई प्रभाव फिर से पड़े बिहार। ये कोशिश है, आप कह रहे हैं कि कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। भास्कर जी आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि आप गलत है कि जे पीएमओ इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किए। पीएमओ ने कल टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत साफ बताया उन्होंने कि द मीटिंग केम इन अ डे आफ्टर ही वॉर्न्ड बीजेपी मेंबर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग द कम्युनल हैट्रेड, acknowledging that provocative comments made by some of his party colleagues are totally uncalled for and declaring the religious freedom and non-discrimination are non-negotiable. So PM ne as a head of the government unka jo position bahut saaf kar diya inhone. The clarity in choosing the words is very clear.
यह बहुत साफ है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते कि पीएमओ ने कुछ कुछ इसके ऊपर नहीं बयान दिया? आप पीएमओ को भी हटा दीजिए, मैं पीएमओ नहीं, पीएमओ आज आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे इतना बड़ा वोट आया, इतना बड़ा बहुमत आया, और पीएमओ का आप कैसे हटा रहे हैं? आप हर वक्त पीएमओ को लेकर ही बात कर रहे हैं, पीएमओ कितना बार फॉरेन जा रहे हैं, कितना बार अंदर जा रहे हैं, कितना बार बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मोदी जी की कथनी और करनी का जो फर्क है उसको सामने लाना चाहती हूँ। अगर परसों ऐसा स्टेटमेंट आया था तो क्या आज उनको कटियार साहब के कहने के बाद कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहिए था, जिससे कि इस देश की जनता को फिर से एक बार उनमें विश्वास जागृत हो जाए? कटियार साहब के कहने के पहले ही, कटियार साहब को कहने से मैं नहीं जोड़ता हूं, लेकिन मोदी जी ने साफ तौर पे जो एक क्लैरिटी दिया अपना थॉट्स एंड प्रोसेस एंड फंक्शन का, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, दैट इज वो मोर इम्पोर्टेंट। मैं नीता जी का मुझे एक जवाब देना है। नीता जी ने अभी भास्कर घोष जी से ये कहा कि कथनी और करनी के ऊपर बड़ी चिंतित है नीता जी और कांग्रेस पार्टी। 1993 में मुंबई में कौन मुख्यमंत्री था जब सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे? 1993 के बम धमाकों के बाद श्री कृष्ण आयोग बना और वहां उनकी सरकार रही, 10 साल 15 साल रही, श्री कृष्ण आयोग के बारे में इन्होंने बात नहीं बताई। ये सर्कुलर का जो ठेका लेकर के पूरे देश में झंडा बरदारी करते हैं, मेरा दूसरा सवाल इनसे यह है, इनकी हुकूमत में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इनका, मरकज में हुकूमत इनकी, हाशिमपुरा के लोगों को 27 साल के बाद एक निचली कोर्ट ने छोड़ दिया, इनकी पार्टी ने यह मॉरल ड्यूटी नहीं समझी कि उस मामले को हायर कोर्ट में उठाएं। सवाल यह है कि अगर आप इतने बड़े सेकुलरिज्म के ठेके बरदार थे तो आपके जमाने में 3,900 दंगे क्यों हुए, क्या हुए और कितने लोगों को सजा हुई? तो यह मत कहिए कि बीजेपी की कथनी में और मोदी की करनी में फर्क है। कम से कम मोदी के दौर में अपनी पार्टी के लोगों को जो बेलगाम हो रहे हैं उनको लगाया जा रहा है। आपकी पार्टी के अंदर आपका नेशनल स्पोक पर्सन शाकिल अहमद कहते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन जो है ये तो कोई चीज ही नहीं है, क्रिएट की गई है। आपका सेकुलरिज्म की आड़ में आप जितना कम्युनिज्म करें महान, बीजेपी कुछ बोले तो कह देखिए साहब धारा 370 मंदिर का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। मैंने पूछना चाहता हूं आपसे नीताजी, एक सेकंड मेरी बात सुन लें। भारत के संविधान ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, इसको बोलते वक्त आपको क्यों लगता है कि यह कम्युनल इशू है? जब बीजेपी बोलती है तो आप कहते हैं देखिए साहब ये मुसलमानों के खिलाफ है। आपने इस मुल्क में एक माहौल बना रखा है कि कुछ मुद्दे बीजेपी उठाएगी और कुछ मुद्दे हम उठाएंगे ही नहीं। मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन हेड ऑफ स्टेट के नाते नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो दंगे हो रहे हैं वो ठीक है, कहां चर्चों पर अगर एक पत्थर हुआ, क्या आप बता सकती हैं 125 करोड़ की आबादी में एक चर्च में एक पत्थर फेंका गया, एक स्कूल के अंदर चोरी हो गई उसे राष्ट्रीय मुद्दा बता दिया गया? क्या इस मुल्क में मंदिरों नहीं तोड़े जा रहे? क्या मंदिरों में चोरी नहीं हो रही? क्या मस्जिदों में चोरी नहीं हो रही? बगैर पकड़े ही आप एक वर्ग को और एक पार्टी को और एक खास सोच को आप जिम्मेदार ठहराते हैं, यह आपकी राजनीतिक मजबूरी है। क्योंकि राहुल गांधी सोते में बोलेंगे जगते में बोलेंगे तो जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होगा वो आरएसएस को गाली दे देंगे। उनको लगता है आरएसएस पे पत्थर फेंको और मीडिया की हेडलाइन लो। आपके पास मुद्दा नहीं है क्योंकि आप झूठ बोलते हैं फूड पार्क के ऊपर, आप कई चीजों में पकड़े गए। लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि आप ये दोहरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी ने कर, ये आपका करेक्टर है, आप खामखा भारतीय जनता पार्टी के माथे ना मारें इसको। देखिए और एक मेरा पॉइंट है यहां पे, इस राम मंदिर इशू में मैडम, इस राम मंदिर इशू में 2009 मनमोहन सिंह ने कहा था मुसलमानों का अधिकार है, रिपोर्ट निकला था वो रिपोर्ट भी पब्लिसाइज नहीं किया आपने। अगर आप राम मंदिर के ऊपर इतना बोलते हैं, मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ, 2009 लिबरल कमीशन का जो इन्होंने पब्लिसाइज क्यों नहीं किया, इसका जवाब क्या है? 2009 साल में लिबरल कमीशन का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट यूपीए 2 गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? इस तूतू मैमे से बेहतर यह है कि हम मूल विषय की तरफ आए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का जो परसों का इंटरव्यू था, ये भी नहीं कुछ उन्होंने इंटरव्यू दिया था जो आज कल के जब कल जो मुस्लिम मौलानाओं से मिले हैं और कल जो मिले, मैं समझता हूं कि उनका संकेत बिल्कुल क्लियर है, राजधर्म बिल्कुल क्लियर दिया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उस पर चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, जब प्रधानमंत्री उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं एक चीज सिर्फ इसमें कहना चाहूंगा कि जब कुछ भड़काऊ बयान आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरफ से, कुछ दूसरे संगठनों के लीडर्स की तरफ से, तो यही कांग्रेस और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती थी कि प्रधानमंत्री जी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं,
वो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, वो मौन क्यों धारण किए हुए हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया यूएनआई के उस इंटरव्यू में बहुत तफसील से और क्लियर कट मैसेज उन्होंने दिया है कि इस तरह का कोई भी भड़काऊ चाहे वो गतिविधि हो या चाहे भाषण हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा एजेंडा क्लियर है और ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कि बहुत क्लियर मैसेज गया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उस क्लियर मैसेज पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो बैठक जो मुलाकात हुई है उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री ने लगभग 30 अलग अलग जो मुस्लिम संगठन हैं उनके जो नेता है उनसे बातचीत की और बातचीत के बाद जो नेता बाहर निकले उन्होंने क्या कहा वो आपको हम सुनाते हैं। आज एक साल के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आज ऑफिशियली मुस्लिम लीडरांस को बुलाकर आपने एक अपनी एक घंटे की एक मीटिंग के अंदर अपनी सारी बातें रखी हैं, हमने भी अपनी सारी बातें रखी हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि आज शबे बारात पर उन्होंने मुबारकबाद दी है पूरे भारत के मुसलमानों को, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि 125 करोड़ का ये देश है उसका मुसलमान भी हिस्सा है। तो हमारे यहाँ मुसलमान किसी तरह की कोई ऐसी बात जो कि किसी को नुकसान पहुँचे वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हम हर तरह से इस ये हुकूमत पाबंद है जो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत, और उन्होंने अपने एक साल का जो मामला थे जो सारी चीज़ें थी तो एक बहुत अच्छी बात, एक खुशगवार माहौल के अंदर एक अच्छी मीटिंग उनके साथ। प्राइम मिनिस्टर दल का नहीं होता, देश का होता है, ये बहुत बाइज्जत कुर्सी होती है और देश के सभी नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने प्रधानमंत्री से अपने हकूक के बारे में और अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करे। मुझे लगता है इस मुलाकात में जो बातें हुई हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं और बहुत कामयाब, इसलिए मैं इसे मान सकता हूँ क्योंकि सारे समूह इसमें मौजूद थे और प्रधानमंत्री का जो इंट्रैक्शन उलमा के साथ रहा तो मुझे लगता है उलमा कुछ ज़्यादा उन्हें समझे होंगे, जाने होंगे, और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री अगर देश में जलते हुए चिराग से रोशन होता हो और बुझते हुए दिए से परेशान, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मनसब अदा करने का और मनसब के फ़र्ज को अदा करने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। प्रोफेसर अनवर पासा साहब, सबसे पहले इस बैठक को किस तरह से देखा जाए? एक तो यह है कि मैं इस बैठक को बहुत महत्व नहीं देता जी, क्योंकि इस बैठक में जिस तरह के ग्रुप्स के लोग गए थे, जिस तरह के मौलाना गए थे, उनकी कोई फॉलोइंग मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है ज़्यादा। ये एक डेढ़ डेढ़ ईंट की दुकानें बनाए हुए लोग हैं या इस तरह के संगठनों से संबंध रखने वाले लोग थे जी। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि ये लोग कौन लोग थे और कहाँ गए थे। महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें की जी, ये वही बातें थी कि मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक हेड ऑफ द नेशन के तौर पर 125 करोड़ भारतीय जनता है, उस जनता के लीडर के तौर पर, उसके निगरान के तौर पर, उसके संरक्षक के तौर पर एक जो बयान प्रधानमंत्री का होना चाहिए था वो उन्होंने बयान दिया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कोई नई बात भी नहीं कही है, सभी इस देश के नागरिक हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये एक फैक्ट है। हर प्रधानमंत्री, हर देश का नेता इस बात को, जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है, ये बात कहता है। और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया
कि अगर हमारे कोई समस्या है तो आप 12 बजे रात को भी, जैसा कि आपने फरमाया था कि आप 12 बजे रात को भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं और मैं उस वक्त आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं समझता हूं कि एक प्रधानमंत्री के नाते उनकी जो जिम्मेदारी थी वो बातें उन्होंने कही, और कोई भी प्रधानमंत्री इस देश का, जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन हमारा है, राष्ट्र है, उसके किसी भी प्रधानमंत्री के से हम इसी तरह की भाषा की उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेगा अपने देश के किसी भी सेक्शन के जनता से को एड्रेस करते हुए। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन जो दूसरे लोगों का रिएक्शन इस पर जिस तरह से आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज जो है उन्होंने हासिल कर ली है, मैं समझता हूं कि इसमें हासिल करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र के नेता के रूप में, एक पूरे 125 करोड़ जनता के नेता के रूप में जो वक्तव्य देना चाहिए था उन्हें, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। पुष्पेंद्र, इतना महत्व दिया जा रहा है लगातार। नहीं देखिए, बात यह है कि जो पाशा साहब ने कहा है उसमें पाशा साहब का दर्द भी झलक रहा है। सवाल यह है कि ये कौन तय करेगा कि ये डेढ़ ईंट की मस्जिद वाले मुसलमान हैं कि ये एक मीनार की मस्जिद वाले मुसलमान हैं? कौन मुसलमान मुसलमानों का मसला उठाने वाला ठीक है कि पर्सनल बोर्ड ठीक है कि आजम खान ठीक है कि अकबरुद्दीन ठीक है कि असदुद्दीन ठीक है कि अजमल ठीक है कि यासीन मलिक ठीक है कि सैयद शाह गिलानी ठीक है? सवाल यह है कि मुसलमान ये तय कर लें कि भाई पूरे देश के जो 18 से 19, 20, 25 करोड़ जितने मुसलमान हैं उनकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है, किसकी जेर क्यादत में वो बात चल रही है? सवाल यह है कि यही तमाम लीडर, छोटी डाली, बड़ी डाली, गोल टोपी, लंबी टोपी, तुर्की टोपी, ये तमाम सारे लोग, अलग अलग सोच के लोग मुसलमानों के अंदर मिलते रहे हैं, चाहे वो कोई सरकार आई हो। चंद्रशेखर से भी मिले हैं, मनमोहन से भी मिले हैं, नरसिम्हा राव से भी मिले हैं। सवाल यह है कि मुसलमानों का एक वर्ग इस तरीके से किसी चीज को आप कह सकते हैं डिमोलिश करके, नहीं साहब ये जो लोग मिले हैं इनकी हैसियत क्या है? तो हैसियत वाले कौन है वो बताएं। एक हैसियत वाले हैं जो 15 मिनट के लिए इस देश में पुलिस को हटाना चाहते हैं तो 100 करोड़ मुसलमानों को वो जिंदा जला देंगे। एक मुसलमान है जो आजम खान में आग लगाते हैं, एक मुसलमान है जो आसाम में आग लगाते हैं, एक मुसलमान है जो तमिलनाडु में लगाते हैं। सवाल यह है कि यह कहना कि मुसलमानों की एक लीडरशिप मिली, अब वो धर्मगुरु कौन है, उनकी कितनी फॉलोइंग है, आपकी कितनी फॉलोइंग है, सवाल यह है। ये कौन तय करेगा, क्या कहते हैं किसकी कितनी फॉलोइंग है? मेरा कहना यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी एक कम्युनल बॉडी, जिसको यह पता नहीं है कि उन्होंने यह कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सिर्फ अल्लाह ही दखल दे सकते हैं, इंसान नहीं दे सकता। ये सूर्य नमस्कार गैर इस्लामिक है, इस तरीके की कम्युनल बातों को करने वाले लोग करेंगे। मेरा कहना है कि इस देश के मुसलमानों को बुलाया, मुसलमान वहां गए, उन्होंने अपनी बात कही, उन्हें अच्छी लगी नहीं लगी, लेकिन इसको ये कहना कि इनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, ये इस तरीके की बात है कि आप नरेंद्र मोदी से मुसलमान जो मिले उनकी हैसियत नहीं है, जो मनमोहन से मिले उनका मर्तबा बहुत बड़ा है, तो इस तरीके के जो जो, जो भी जेस्चर होते हैं, जो हुकूमतें करती हैं, उसको इस तरीके से डिमोलिश नहीं करना चाहिए। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वही गलत इंफॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री जी ने इनको इनवाइट किया था। मैंने नहीं कहा। आपने कहा। मैंने नहीं कहा भाई, ये उन्होंने इनवाइट नहीं किया। मिले, मैंने इनवाइट नहीं कहा। उन्होंने इनवाइट नहीं किया। मैं तो नहीं कह रहा ना, आप आपको इनवाइट कह रहा है। सवाल ये है कि आप मुसलमानों के लिए सवाल नहीं है, देर की मैं ये कह रहा हूं कि आप पुष्पेंद्र जी ने उसको जो ट्विस्ट दिया है, इस देश में जो संगठन है, जो लार्जर तौर पर जो मुस्लिम संगठन है, जो समाज है उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो संगठन है, वो मिसिंग थे, उसमें नहीं थे। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पुष्पेंद्र जी कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने निमंत्रण भेजा था और इन संगठनों को माइनस कर दिया, ऐसा नहीं है। ये वो संगठन है जो खुद से समय लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। अगर प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को बुलाते तो यकीनन उन तमाम संगठनों पहले भी मुसलमान मिले, तमाम संगठनों को पहले भी मिले, तमाम संगठनों को प्रदर्शन जाता, निमंत्रण जाता और वो सारे संगठन के लोग आने से मुसलमानों की भूख नहीं पूरी होती है। सारे संगठन के लोग मुसलमानों के हवाले से आप बताएं, किसी कम्युनिटी में नहीं होता, कहीं नहीं होता। इसका अंदाजा इससे होता है पुष्पेंद्र जी के मुसलमानों के से संबंधित एक भी विषय, मुसलमानों के इशू क्या है, मुसलमानों का इशू मैं बताता हूं, एक भी मुद्दा, आप कैसे मुसलमानों को पसंद करते हैं? पाशा साहब मैं बताता हूं, अखिलेश सरकार से ये कहते हैं कि हमारे आतंकवादी मुसलमानों को नहीं छोड़ा तो हम वोट नहीं देंगे। इसको बताता अजीबोगरीब एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिस मुद्दे को जो मुस्लिम समाज के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो उनका मुद्दा है, मुस्लिम समाज के सामने चैलेंजेस बहुत है, दलित के सामने चैलेंज है, आपके सामने चैलेंज है, आप एक्सक्लूसिव क्यों बनाते हैं, आपके सामने चैलेंज है, जो मुद्दे हैं या नहीं है, नीता मुसलमान तो ठीक है, नीता मुसलमान
आप ये कहें कि ये कैसी कॉल था, लोग मिलने गए थे, उनसे चाय पी करके चले आए, ये न कहें कि मुसलमानों के नेता मिलने गए थे और उनको मोदी जी ने कोई कोई एजेंडे के हवाले से कहना कोई इशू डिस्कस हुआ मुसलमानों का, कोई इशू डिस्कस हुआ बताने का इशू है, एक इशू डिस्कस करने का बता दें, मुसलमानों के अलग से क्यों है, जाटों को क्यों है, ब्राह्मणों को क्यों है, भाई मुसलमानों के इशू आपने समाज को ब्राह्मणों में बुनियादों में राजपूतों में बांट रखा है, ये फैक्ट है, समाज की हकीकत है। पाशा जी ये मैं कहना चाहूंगी कि मैं पुष्पेन जी से बिल्कुल इनके साथ अग्री करती हूँ कि कौन जा रहा है मिलने, जो जत्था जा रहा है वो किस, उसका क्या सिग्निफिकेंस, स्टैंडिंग क्या है, ये सिंबॉलिक होता है देखिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी की एक आदत सी बन गई है हर चीज को ग्लैमराइज करने की, चाहे वो लाल किले से बोलना हो, चाहे वो मन की बात कहनी हो रेडियो के माध्यम से, या जो भी विदेशों में जाकर के अपने शोज करने हो, उसी कड़ी में इन्होंने जो ये करा है इतने बड़े लेवल पर वार्तालाप प्रेस के साथ करी, प्रेस को बुला करके और इस मुसलमान संगठन के संग, मुस्लिम संगठन के संग करी। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ विश्वास इतनी जल्दी केवल बातों से नहीं आएगा, यदि विश्वास उनको दिलाना है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तो जो कह रहे हैं जिस तरह की उन्होंने बात कही परसों, उस पर उनको पूरी तरह से अब अमल करना पड़ेगा और अपने एक्शन से दिखाना पड़ेगा कि वो जो कहते हैं जगह जगह, जो अनाउंसमेंट्स करते हैं, जो उनके वक्तव्य स्टेटमेंट जो जारी होते हैं, उससे कहीं ज्यादा विश्वास तब होता है लोगों को, जनता को, क्योंकि अब वो केवल एक लीडर नहीं है पार्टी के, अब वो हेड ऑफ द स्टेट है, उनके सामने सारे, चाहे कोई भी कौम हो, कम्युनिटी हो, कास्ट हो, रिलीजन, सब बराबर है, तो उनको अब हर एक को बराबरी से ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि जो कहा है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब को अब करके दिखाना पड़ेगा, और वो तब, जैसा अभी आज हम लोगों ने डिस्कशन किया कटियार साहब का, अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, अभी मैं भी रुकी हूँ, इस देश की जनता भी रुकी देखने के लिए कि क्या स्टेटमेंट आ रहा है अब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इस तरह के लोगों के लिए जो इस कम्युनल फैब्रिक। भास्कर गोजी, मेरा कोई आश्चर्य हुआ कि हम लोग नेशनल एक चैनल में बैठे हुए और हम लोग के पास, उन लोग के पास सारी इन्फॉर्मेशन ही है नहीं। पहले बात तो यह है कि ये जो डेलीगेशन गया था, ये डेलीगेशन कोई आम डेलीगेशन है नहीं, इसमें कई नाम है, जैसे डॉक्टर परवेज अहमद, डॉक्टर असलाम परवेज, प्रिंसिपल जाकिर हुसैन कॉलेज, ये अपने आप पे बहुत बड़ी कल सादिक थे, मौलाना जकीर, मौलाना जकीर हुसैन थे, राइट। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल ये प्रॉब्लम होता है, जब तक निगरानी को बुलाया जाता है तब तक इन लोग नहीं सोचते हैं कि ये कोई डेलीगेशन है, सारे इंडिविजुअल इनका यही है बात है। सेकंड जो अभी कांग्रेस वाले ने कहा कि ये कुछ कर नहीं रहे, मोदी जी सिर्फ बात बयान कर रहे हैं, और इसको मोदी जी अगर कुछ चीज को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो पैकेजिंग हो जाता है, वो ये हो जाता है। इसमें एक साफ साफ चीज क्या है, वो रिपोर्टिंग फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया कि मोदी जी ने पहले प्राइम मिनिस्टर जो हेड काउंट शुरू किए कि माइनॉरिटीज को जो जो योजना अभी तक लागू हुआ है, जब जिला से एक साल में और उसको पहले भी, ये योजना कितने माइनॉरिटी तक पहुंचा है, इसके बारे में उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड लॉ बोर्ड को उन्होंने बोले हैं कि आप इसको हेड काउंट कीजिए, और ये मोदी जी का प्रयास है असेसमेंट करने के लिए कि जो योजना भारत सरकार की तरफ से कर, जो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और कर भी रहे, वो कितना माइनॉरिटी तक नीचे तक पहुंच रहे हैं। ये इटसेल्फ शोज कि एक उन्होंने प्रयास नहीं, एक उन्होंने सच्चे कदम, पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं इसको लागू करने के लिए। और यहाँ पे और एक बात है, उन्होंने जो कई शब्द प्रयोग किए कि ये जो अभी तक जो आउट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ 67 इयर्स, 57 साल कांग्रेस के हाथ में था, और 57 इयर्स में पॉलिटिक्स का नाम पे जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू इंडिया, इसको वो साफ तरीके से और बहुत सख्त शब्दों इस्तेमाल करके बताया कि ये हम मानते नहीं हैं। और एक प्रधानमंत्री जो एक साल, सिर्फ एक साल ही उनका चेयर में आए हैं, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, और इससे ज्यादा जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं वो। आप उसलिए ना कहे कि प्रधानमंत्री कोई स्टेप नहीं लिए, प्रधानमंत्री अपना प्रोसेस शुरू कर दिए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस के लोगों को कहते हैं प्रधानमंत्री का इतिहास जो है वो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अपना इतिहास बताएं आप,
आपके इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में खड़ा होकर के कहता है एक पेड़ हिल जाता है तो जमीन हिलते, 3,500 सरदारों के कत्ल को जस्टिफाई करते हैं आप, और आप कहते हैं कि उनका इतिहास, आप अपना इतिहास बताएं। मुरादाबाद से लेकर के हजारों दंगे आप कराने के बाद कहते हैं कि कथनी करनी में फर्क होना चाहिए, मोदी जी को दिखाना चाहिए कि वो कर भी रहे। आप जिस तरह दिखाते हैं हाशिमपुरा से लेकर मलयाना से लेकर निल्लई से लेकर बिहार शरीफ, उस तरीके का तो कम से कम मोदी से ना उम्मीद करें आप कि मोदी ये करेंगे। ये जो डबल फेस है आपका कि सेकुलरिज्म की टोपी और उसके अंदर सब काम होता रहेगा, ये मोदी से उम्मीद ना करें। मोदी जो है कम से कम कह रहे हैं कि मैं मोटी टोपी नहीं पहनूंगा, वो इफ्तार की दावतें नहीं दे रहे हैं, वो इफ्तार में टोपी लगा के नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, हिंदू है उसमें कौन सी बात है, कोई मुसलमान है तो मुसलमान है, लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हरे रंग का कपड़ा है, पीले रंग का कपड़ा है, हम लोग ऑफिशियली मुद्दा लाए, मंत्री जी लाए, आज कांग्रेस सपोर्ट करे, कल आर्टिकल 370 हम लोग पास कर देंगे। वापस एक सवाल, जो पीएमओ की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किए गए उसके मुताबिक डेलीगेशन मेंबर्स ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय ने वोट बैंक की सियासत को, राजनीति को ठुकरा दिया है और सबकी रुचि जो है वो विकास में है। इसमें कहा गया है कि नेताओं ने सरकार से जो अब तक कामकाज है उस पर संतोष भी जताया है, जो तो कुल मिलाकर के जो एक नटसेल में कि मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स को, मुस्लिम लीडर्स चाहे वो आप उसको डेढ़ ईट वाला या बड़े हों या जो भी हों, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को नकार रहे, ठुकरा रहे। प्रोफेसर पासा साहब, देखिए ऐसा है कि ये मुझे लगता है कि ये सरासर इल्ज़ाम है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स सिर्फ मुसलमानों के साथ होती रही है। जी, ये पॉलिटिक्स हमारे देश में हर समुदाय के साथ, हर कास्ट के साथ ये पॉलिटिक्स होती रही है। कास्ट वोट बैंक, कम्युनिटी वोट बैंक, रीजनल वोट बैंक, ये लैंग्वेज वोट हमारी सियासत का हिस्सा रहा है, इसलिए इसको सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक से जोड़ करके इसको ना देखें। और मुसलमान इस तरह की परिस्थिति से त्रस्त हैं, वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, और उनका बुनियादी मुद्दा वही है कि रोजगार उनका मुद्दा है, सेफ्टी उनका मुद्दा है, डेवलपमेंट उनका मुद्दा है, उनका मुद्दा जो है नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैं इसीलिए सरकार, इसीलिए 125 करोड़ भारतीयों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के वादे को पूरा करेगी, उन्हें सुरक्षा देगी। प्रधानमंत्री ने कहा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति देश को नुकसान पहुंचा रही है, सरकार कमिटेड और सभी समस्याओं का हल जो है रोजगार और विकास, बिल्कुल उसी में, और सरकार विकास के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करती है जी, तो यकीनन समाज के हर तबके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो तो हल होंगे, डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में हर कम्युनिटी जो पीछे है वो भी आएगी, और इसको सुदृढ़ करना, सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को कि वो कम्युनिटीज, वो जातियां और वो सेक्शन सोसाइटी के जो पिछड़े हुए हैं उनको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, क्या तरीका ऐसा अपनाया जाए कि दूसरे लोग उनके हक को हड़प न लें बल्कि उनका जो हक है उनको मिल सके, ये बुनियादी कंसर्न सरकार का होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जिस तरह से लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त किया है, जिस तरह से लोगों ने अपना फेथ उनके नेतृत्व में जताया है, जिस तरह से वोट उनको मिला है, वो जाहिर है कि उनको बल देता है, किस तरह ताकत उनको मिलती है इससे कि वो इस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करें। एक अहम बात है, वो कह रहे हैं कि आप उनका मूल्यांकन उनके काम से कीजिए, विपक्ष की बातों से नहीं। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि आपको लगता है दुरुस्त बयान पर हम न जाएं, ये अगर मसलन ये कि सिर्फ बयानबाजी अगर होती है और इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाता है तो जाहिर है कि क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। और अगर आने वाले दिनों में जो एजेंडा है विकास का, एक बेहतर गवर्नेंस का, उसको सुनिश्चित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा, वरना विपक्ष के रूप में ये अधिकार तो विपक्ष को है ही कि वो एक तरह से आलोचना करे उन नाकामियों की जो सरकार की नाकामियां हैं। ये सरकार को देखना है कि आप सरकार को उनके काम से मूल्यांकन कीजिए, नीता मिश्रा के बयान से मत करिए। देखिए नीता मिश्रा नहीं, आप कांग्रेस पार्टी देख लीजिए जी, आप काम को देख लीजिए। अगर इतना बार बार कहने से डेवलपमेंट और विकास और गवर्नेंस से डेवलपमेंट विकास नहीं हो जाता, उसको वो दिखना चाहिए, जनता को दिखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष का भाषण है, विपक्ष कहीं ना कहीं एक माहौल तैयार कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक है उनको डराने का काम कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से प्रभावित करने बोलता, आप उनसे मत प्रभावित होइए, आप सरकार के काम काज को देख के
फिर अपनी राय बनाई। देखिए कामकाज तो दिखता है, जब कामकाज होगा तो वो दिखेगा भी जी। और चाहे आप किसी भी पैरामीटर को लेकर के चलिए, चाहे सोशल वेलफेयर हो, इकोनॉमी देश के इकोनॉमी हो या कोई भी, आप कहां पर विकास दिख रहा है आपको? आज एक भी प्रोजेक्ट अगर यहां पर केवल लैंड ऑर्डिनेंस की बात हो रही है लगातार, क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या मकसद है, ये भी सब जानते हैं, बाकी और भी जितने भी बिल्स हैं, लेकिन कहीं पर भी उस अल्टीमेटली कहां पहुंचना है वो दूर तक नहीं दिख रहा। बहुत कम शब्दों में भास्कर जी, बहुत कम शब्दों में आप अगर कहते हैं कि लैंड ऑर्डिनेंस बिल एक ही बिल है जो इसके ऊपर चर्चा अभी अभी जो ये हो रहा है, उसके अलावा वो कह रहे कुछ काम नहीं हुआ, वो कांग्रेस पार्टी के नेता का मानना है कि कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ एक आपको आपको शायद पता नहीं है, शायद आप ये नहीं कि लास्ट लोकसभा में कितने सारे बिल पास हो चुके हैं, इंश्योरेंस घोषणा नेताजी कह रही है दिखना चाहिए। अरे 57 साल में ये दिखा के आप 44 पे आ गए, आप मुसलमानों की राजनीति कर रहे थे, आप सच्चर कमीशन बना रहे थे, आप फूड बिल ला रहे थे, तो दिखा कहाँ? आप एक साल का हिसाब मांग रहे हैं, 57 साल के हिसाब में हमने इस देश में गड्ढे खोद दिए और आप कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है, तो समय तो दीजिए भाई। मैंने दिखाया दो लोकसभा का पार्लियामेंट, एक सिर्फ सवाल पुष्पेंद्र जी से है हमारा, अगर कांग्रेस मुसलमानों की राजनीति कर रही थी तो सच्चर कमेटी का ये कहना कि इस देश का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, शरह किसके सर जाता है? हमारा किसके सर हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।